हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज होनी क्लासेस आज मैं आप सभी लोगों को जैसा कि इमेज में शो हो ही रहा है नेवला और सांप के दुश्मनी के बारे में बताऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं इन दोनों की लड़ाई क्यों होती है और हमेशा कौन जीतता है किस वजह से जीतता है सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं दुश्मनी का ये रहा कारण चलिए जानते हैं सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी का असली कारण कुछ और ही है दरअसल सांप नेवले के बच्चे का शिकार कर लेता है उसे नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी चलती रहती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस वजह से बच जाते हैं नेवले मीन्स ज़्यादातर लड़ाइयों में सांप हार जाता है और नेवला जीतता है तो नेवला क्यों जीत जाता है उसके बारे में चले जानते हैं कोबरा जैसे जहरीले सांप तो उसे मारने की क्षमता रखते हैं फिर भी नेवला क्यों बच जाता है दरअसल नेवला अपनी फुर्तीली चाल से सांप से बचता है वो उसे डसने का मौका ही नहीं देता सांप जैसे ही डसने की कोशिश करता है वो हटकर उसका सिर काट लेता है वहीं अगर नेवला चूक भी जाए तो उसके फर उसे बचा लेते हैं दरअसल लड़ाई के दौरान नेवला अपने फर सख्त कर लेता है इसमें उसके शरीर के बाल सख्ती से खड़े हो जाते हैं सांप के दांत इतने लंबे नहीं होते जो उसकी खाल तक पहुंच पाए तो इसलिए सारा जहर त्वचा के बाहर ही रह जाता है अगर खाल के अंदर कुछ जहर चला भी जाए तो बाहरी चर्बी पर ही पहुंच पाता है जहां से जहर शरीर में धीरे धीरे जाता है ऐसे में नेवले के प्रतिरक्षा तंत्र को उस जहर से मुकाबला करने का पर्याप्त समय मिल जाता है चलिए और जानते हैं क्या नेवला भी सांप की तरह जहरीला होता है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं सांप के मुकाबले नेवले ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं दुनिया में सांप की ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके काटने के बाद इंसान की तुरंत मौत भी हो सकती है जबकि नेवले के काटने के बाद यदि सही इलाज कराया जाए तो इंसान बच सकता है कुत्तों की तरह ही नेवले के काटने से भी रेबीज़ की बीमारी होती है इसके अलावा नेवले द्वारा किसी इंसान पर किए गए हमले के मामले भी सांप की तुलना में काफ़ी कम होते हैं तो गाइज़ ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि बता रहे हैं सांप और नेवले के बारे में इन दोनों की दुश्मनी क्यों हुई दोनों में जहरीला कौन है ज़्यादा कौन जीतता है हर बार अगर जीतता है तो उसका क्या रीज़न है सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे गाइज़ आज के लिए बस इतना ही गैस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू गैस